पिछले 2.5 वर्षों में सरकार की नीतियां जो थी, जो जनता के प्रति अन्याय की भावना थी, चाहे किसान हो, मजदूर हो, मिल मजदूर हो या पुलिस हो, हर विषय में देवेंद्र जी लड़ते रहे और लड़ते रहने के पश्चात आज ये जो सरकार परास्त हुई है, इसका सभी श्रेय हम देवेंद्र जी को देते हैं। चलिए, देवेंद्र फडणवीस को श्रेय दे रहे हैं और भी कई विधायक, हम इनसे बातचीत करेंगे और जानेंगे कि उनकी क्या प्रतिक्रिया है। ये बताइए मैम, क्या प्रतिक्रिया है? आप मंत्री भी रही हैं, कब तक सरकार बनाने की उम्मीद है? विद्या ठाकुर हैं, ये तो हमारे सीनियर बताएंगे। तो अभी तक कुछ तय हुआ है कि नहीं, ये तो सीनियर बताएंगे, ये मेरे क्षेत्र का। देखिए, ये विद्या ठाकुर हैं जो पहले मंत्री भी रही हैं यहाँ पर। देखिए, ये विधायक हैं सभी जो एक दूसरे से परने फूके हैं मेरे साथ, जो पहली जब देवेंद्र फडणवीस की सरकार थी उस वक्त ये मंत्री थे। परने जी, क्या प्रतिक्रिया है, कब तक सरकार बनाने की तैयारी आप लोग की? अभी जल्द से जल्द बनने वाली है, एक या दो दिन में हम सरकार बना लेंगे। चलिए, एक दो दिन में बोल रहे हैं कि सरकार बना लेंगे, और भी कुछ लोग हम इनसे बातचीत करेंगे। यहाँ पर मनोज कोटक हैं, सांसद हैं। मनोज जी आगे आइएगा, चेहरे पे खुशी दिखाई दे रही है, ये बताइए सरकार कब तक? बिल्कुल, जैसे कि आप जानते हैं कि माननीय देवेंद्र जी ने पहले ही बताया था कि ये सरकार गिराने का हम कोई प्रयत्न नहीं करेंगे। अपने अंतर विरोध के कारण ये सरकार गिरी है, खुद के विधायकों का इस सरकार पे भरोसा नहीं रहा। एक स्थिर और मजबूत सरकार देने का काम भारतीय जनता पार्टी करेगी। लेकिन आप कह रहे हैं अंतर विरोध, लेकिन आरोप आप पे लग रहे हैं कि इस पूरे खेल के पीछे जो है आपके चाणक्य देवेंद्र फडणवीस हैं। मुझे लगता है कि ये सबसे ज्यादा अहम मुद्दा ऐसा है कि महाराष्ट्र का विकास, 5 साल में जो महाराष्ट्र ने विकास देवेंद्र जी के नेतृत्व में किया है, वो विकास 2.5 साल में रुका पड़ा था। खुद के विधायक मंत्री होने के बावजूद भी, आपने कल मंत्रियों को सुना, शिवसेना के मंत्री स्वयं ये बता रहे थे कि हमारे मतदार संघ में विकास करने के लिए निधि नहीं मिलता, हमारे विकास मतदार संघ में काम करने के लिए पैसा नहीं देते। किस तरह की सरकार चल रही थी, और निश्चित इस सब चीजों से, इस सब स्थिति से महाराष्ट्र को बाहर निकालना है। आज हमारा फोकस एक स्वच्छ, पारदर्शी और मोदी जी के और देवेंद्र जी के नेतृत्व में एक मजबूत सरकार देना है। बागी विधायक कब तक? मुझे लगता है कि उनको बागी बोलना गलत है, संख्या बल में वो सबसे ज्यादा है। अब इसका फैसला गवर्नर, कोर्ट, बाकी जो अथॉरिटी है वो करेगी, लेकिन उन्होंने महाराष्ट्र के विकास को लेकर मुद्दे उठाए हैं, हमें मुद्दों को नहीं भूलना चाहिए। चलिए, महाराष्ट्र के विकास का मुद्दा यहाँ कहा जा रहा है कि उठाए गए।